सो आज हम कहाँ है? आज हम अपने कॉलेज आए आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. कितने कितने साल हो गए आदर्श? दो साल पास आउट हुए हमें. एग्जैक्टली 2 ईयर्स हो चुके हैं पास आउट हुए. एंड आज हम अपने ग्रिफिथ कॉलेज डबलिन में हैं. एंड हम इसलिए आए, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. इधर ही आए थे, आई थिंक फर्स्ट दिन था हमारा कॉलेज में. बैग्स लेके ओरिएंटेशन के लिए रेडी होके आए थे. एंड ना कुछ दिमाग में नहीं पता क्या हो रहा है इधर. डबलिन कैसा होगा, कैसे दोस्त बनेंगे, जॉब कब लगेगी, लाइफ कब सेट होगी. और आज यहाँ पर हम लोग अगेन बैक टू स्क्वायर वन. हमारी सुंदर सी क्लॉक टावर ग्रिफिथ की पीछे देखते हुए, काफी सुंदर और काफी अच्छा मौसम है. हाँ, काफी सुंदर लग रहा है यार. काफी चेंजेस ग्रिफिथ कॉलेज में भाई. हाँ यार, सुंदर हो गया ज्यादा. ये हमारे ग्राउंड में कुछ तो लगा रखा है, आई डोंट नो क्या है ये. बट आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आदर्श का फुटबॉल है यहाँ पर. यस, और वहाँ पर फ्रेंड वेट कर रहे हैं कि जब आएंगे वो लोग. फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं वो पीछे. एक एक आ रखा है इनका टीममेट. तो हम लोग वेट कर रहे हैं फुटबॉल खेलने का. एंड काफी चेंजेस आए ना. ये सब नेट वेट नहीं लगा हुआ था. हाँ. ये सब ओपन था और ये सेटिंग तो थी यहाँ पर. ये सेटिंग थी बट पूरे उसमें फैली हुई थी, पूरे ग्राउंड में फैली हुई थी. आई थिंक क्योंकि अब ये नेट वगैरह लग गए उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर कर दिया है. तो ये हमारी बिल्डिंग थी जिसमें हमारा आई थिंक ये हमारा ऑडिटोरियम था. पासिंग आउट हमारी यहाँ हुई, ग्रेजुएशन यहाँ हुई थी. और काफी मजा आ रहा है. तो होपफुली अच्छा गेम होता है. होपफुली सब टाइम पे आते हैं क्योंकि अभी हम आए हुए हैं. अभी अभी है टाइम. एक्चुअली हम थोड़ा टाइम से पहले हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, सो आज हमारा ये प्लान है. आज फ्राइडे है. तो जैसे ही आदर्श का गेम खत्म हो जाएगा होपफुली हम अपने कैनाल जाएंगे क्योंकि हम अभी रैथमाइंस में हैं. एंड हम कल भी रैथमाइंस में थे. तो दैट्स इट. कल हमारा बट ग्रोसरी वगैरह लेने का प्लान था तो हम कैनाल पे सिर्फ हमने राउंड लगाया था. हम बैठे नहीं थे ज़्यादा देर. अच्छा, बैठे भी थे, सॉरी. तो कल ये सीन था. आज मम्मी नहीं आई है हमारे साथ क्योंकि मम्मी को लगा उन्हें ग्राउंड में थोड़ा ठंड में बैठना पड़ेगा. एंड दैट्स इट. मैं आदर्श के साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ यहाँ पर. ये प्लान है. ओके, सो गाइज मैं कोशिश करती हूँ सेटअप करने की. कहाँ? इधर ये ऑन ही है. लेट्स सी लगाना. लेट्स सी हम दोनों कितने प्रो हैं फुटबॉल पे. मैं जमीन पे रख रहा हूँ. हम इसमें दिखेंगे नहीं आई थिंक. चलो जाओ देखो. दिख रहे हैं? हाँ, अभी तक तो दिख रहे हैं. थोड़ा सा वो टिल्टेड है बट ठीक है ना. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. ठीक है, तो इधर ही रहता. ठीक है, अब रूल ये है इसके ऊपर से निकालो. इसके ऊपर से? हाँ. जब आप ध्यान नहीं देते हो सकता है कि आपका बटुआ चोरी हो जाए वीडियो बनाते बनाते. इतना दूर मचो, थोड़ी देर. सॉरी यार. यार ऊपर से कैसे? अच्छा चलो नीचे से ही कर लो. नीचे से ही कर लो. ओके, नो प्रॉब्लम. नीचे से आ जा. वन टच, ठीक है? हाँ, वन टच ओनली. ओके, मतलब स्टॉप नहीं करना. हाँ, धीरे धीरे मार दो. बहुत तेज़ मार. ओके, बस वन टच करना है, स्टॉप नहीं करना. ओके. मार रहे हो. अरे ये वन मिल. चलो वन मिल, मैं फिर से स्टार्ट करूं. ठीक है, ठीक है. हम लोग कैमरा व्यू में. ओके, ओ शिट, रुको, मेरे प्लेसेस खुल रहे हैं. ओके गाइस, वन मिल हो चुका है. वन मिल. ओके, थोड़ा पीछे आओ. ठीक है, मारो वहीं से मारो. हाँ चल, नाइस. ठीक है.
थक रहा हूं। पानी भी नहीं लाए क्यों नहीं गाइस शिट यार मैं बहुत थक गया बस आई थिंक अभी के लिए बस पिज़्ज़ा ओ माय गॉड क्रेजी गेम काफी थकान हुई नाइस वन आंसर यू आर अ प्रो प्लेयर तू आई लॉस्ट इस सीट से मुझे याद है हम लोग अपना मेन थीसिस देके आए थे क्या थीसिस हाँ यहीं खड़े हुए थे थीसिस जमो देके आए थे और यहीं बैठे हुए थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या लगता है कैसा होगा एंड लकीली हम लोग दोनों पास हो गए थे अच्छा खासा दिया था हमने ओ बाय द वे दैट इज ओशामा नहीं फहीम सर है क्या बात है होपफुली ये हमारे होपफुली इनसे बात करने का मौका मिलेगा फहीम सर हमारे एंड ही बट हमें कुछ नहीं पढ़ाते थे ना हमारे थीसिस में थे ये हमारे कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं थे हां बाय द वे ही वाज अ फ्रीडम फाइटर हां एंड दैट्स सो ग्रेट टू नो मतलब हमारे कॉलेज में ऐसे रेनाउंड प्रोफेसर थे बाय द वे हमारा कॉलेज के बारे में एक फन फैक्ट बताता हूं सो दिस इज आवर कॉलेज बिल्डिंग इसमें हम पढ़ते थे बाय द वे क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते थे बैरी का अकील का सब्जेक्ट पढ़ते थे हम लोग अप्लाइड डेटा एनालिटिक्स इस ये हमारे ग्रिफिथ बैरिक्स हैं बाय द वे ये डबलिन आर्मी जब अपनी वॉर लड़ रही थी अगेंस्ट दी यूके फोर्सेस तो इधर बैरिक्स थे हमारी आर्मी के एंड दैट्स सो ग्रेट कि हमारे कॉलेज में ये कॉलेज को ये बिल्डिंग मिली है विच इज़ सच मतलब ह्यूज प्रिविलेज फॉर अ कॉलेज टू गेट इनटू अ बिल्डिंग लाइक दिस ग्रिफिथ कॉलेजेस वर प्रीवियसली आर्मी बैरिक्स एंड आज भी उन्होंने उसको सिर्फ थोड़ा बहुत मेंटेन किया उसको बिल्ड नहीं किया उसके ऊपर उसको तोड़ के कुछ वो नहीं किया मतलब ओल्ड ब्यूटी अभी तक है यस एंड दैट्स अ बिग थिंग काफी फेमस है आयरलैंड में ग्रिफिथ कॉलेज बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू ये सारी के सारे बैरिक्स हैं ये लगातार और जस्ट इसके पीछे एक और बिल्डिंग है विच वॉज अ नर्सिंग होम विच इज एडजेसेंट सारे के सारे इंजर्ड सोल्जर्स के लिए एक नर्सिंग होम था वो अभी भी है And that's so good to know. Lights on हो गई है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है. I'll hand over the phone to you. Okay. लोग आए? अभी तक तो कोई नहीं आया. मुझे तो लग रहा है आज हम यहाँ पर Friday night celebrate करने आए. Nice. हाँ ओके मुझे दे दो यहाँ पर पता चले सब खोजे हमारा सारा पैसा इधर है हाँ इधर रख दो कोई दिक्कत नहीं है मेरा फोन भी रख दो तो जब हम आयरलैंड नहीं आए थे तो हम वही दिल्ली से इंडिया में बैठकर देखते थे गूगल स्ट्रीट व्यू से कि कैसा दिखता है अपना कॉलेज के अंदर देखते थे कैसे क्लासेस नहीं सॉरी कैसा उसका कैंपस है एंड काफ़ी सही है यार और जो हमारी ये पीछे स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग है इस पे मैंने देखा था यूट्यूब पे कि ये काइंड ऑफ हॉन्टेड है सही में मैंने देखा था कि ये हॉन्टेड है एंड पता नहीं मतलब मैंने मम्मी को बताया था मम्मी बोलती बेटा ज़्यादा रात रात में मत जाना वहाँ पर अरे यार बारिश हो रही है क्या मेरे हाथ पे कुछ बूंदे पड़ी हैं अब तो जो भी है ओके तो वैसे तुम एक दो तीन चार टू करोगे क्या साइड का तो गेम नहीं होता टू साइड गेम खेल रहे फुटबॉल चलो हम सिर्फ चार लोग हैं इंक्लूडिंग आदर्श सो लेट्स सी ओके बाय बाय जैसा कि हम इधर देख सकते हैं आदर्श फुटबॉल खेल रहा है बीच में वार्म अप कर रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदर्श को ऑलरेडी 3 हैमस्ट्रिंग इंजरीज हो चुकी है एंड मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ कर लो यार वर्कआउट ताकि स्ट्रेच व्रेच ना हो जाए एंड नाइस गुड बॉय एंड गाइज यहाँ पर मुझे ज़्यादा लोग तो दिख नहीं रहे हैं चार लोग आए थे जिसमें से अभी एक दो तीन चारों ही खेल रहे हैं तीन तो खेलते हुए दिख रहे हैं एंड फिर ज़्यादा शुक्रिया Is
सो गाइस बारिश सी शुरू हो गई है यहाँ पर एंड आई डोंट नो हम भीगेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर आदर्श शुक्ला का फुटबॉल मैच स्टार्ट हो चुका है एंड बूंदे गिरने स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट नो कि हम ड्रेंच होएंगे कि क्या, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं लाए रेनकोट टाइप। आयरलैंड का वेदर ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है। आई नो उसके हिसाब से हमें रेनकोट रखना चाहिए था या एटलीस्ट अम्ब्रेला तो रखना ही चाहिए था, बट सॉरी हमने कुछ नहीं रखा है। लेट्स सी क्या होता है एंड ओके गोल हो गया गाइस एंड आई मिस्ड इट। काफी प्यारा वेदर है यार, बट बारिश रुक जाए ना। लेट्स सी ओके ओके कम ऑन आदर्श शुक्ला, ये रहा आदर्श शुक्ला। नाइस गेम, गुड गेम चल रहा है। तो यार इनका वीक में हो जाए ना एक अच्छा रहता है। आदर्श को बहुत पसंद है फुटबॉल एंड वीक में एक बार अगर हो जाए फुटबॉल तो काफ़ी सही रहता है, एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि एक ही बार हो पाता है इनका मुश्किल से। सो दैट्स द थिंग, ग्रिफिथ के साथ खेल रहा है आजकल आदर्श फुटबॉल एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अपने कॉलेज के साथ यार थोड़ा कनेक्शन रहता है, अच्छा लगता है। सो दैट्स इट, सी यू लेटर, बाय बाय। तो गाइज एज यू कैन सी थोड़ी शाम हो चुकी है एंड डबलिन में थोड़ा यही हाल है, यहाँ पर काफ़ी जल्दी रात होने लग जाती है एंड अभी आई थिंक कुछ 6:30-7 बज रहे होंगे शाम के एंड अभी ये ऐसा हाल हो रखा है, काफ़ी शाम हो चुकी है एंड दे आर स्टिल प्लेइंग बिकॉज इनका कुछ अराउंड 90 मिनट्स का मैच होगा। गाइज बहुत 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 ठंड हो गई है, आदर्श का मैच ओवर हो गया, देयर ही इज, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और उसके हिसाब से मैं काफ़ी अंडर ड्रेस्ड हूँ। मैंने इसके अंदर से रवि एक स्वेटर पहना और वार्म अप पहना है, अभी पता नहीं क्या करेंगे हम, आई थिंक कैनाल पे जाएंगे, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम कोई और जैकेट या स्वेटर कुछ नहीं लाए हैं एक्स्ट्रा एंड अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर चुका है। सो लेट्स सी क्या करते हैं हम। कैसा रहा, रुको कैसा रहा आदर्श शुक्ला? मेरा गेम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ओ हाँ, ओ गॉड लग गई आदर्श शुक्ला को, बिंदी बन गई, बिंदु बिंदु बन गया, बट अच्छा गेम रहा, काफी हाथ पैर टूटे, मतलब एज इन काफी वो था गेम, मतलब थकाने वाला था, बट नाइस डन इन ओवर, अगले फ्राइडे भी खेलते हैं। अच्छा गेम हो गया, नाइस, छोटी फील्ड में बहुत यू नो बहुत ज्यादा थकाने वाला गेम था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना थकेंगे, मैं तो बीच में बैठ गया, मतलब 10 मिनट पहले ही बैठ गया, 10 मिनट पहले, हाँ। तो अच्छा रहा, अब जाते हैं, मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए कहा है ग्रोसरी शॉप से, दूध और पता नहीं क्या क्या हम भूल गए, तो वो सब सामान लेते हैं और घर पहुंचते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। ओके बाय, ठंड लग रही है।